नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर आजाद नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में बृजेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि भारत माता के अमर सपूत व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत चंद्रशेखर आजाद का आज 93वां बलिदान दिवस है। उनके बलिदान दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में उनकी प्रतिमा की साफ सफाई करके माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा, देश की आजादी के इतिहास में जब जब स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी, चंद्रशेखर आजाद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वो अग्रिम पंक्ति के साहसी नेता थे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनका सपना था कि आजाद था और आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। इसी कारण आज के दिन इलाहाबाद के पार्क में अंग्रेजों की टुकड़ी ने जब उनको घेर लिया था, तो उन्होंने अंतिम समय तक अंग्रेजों से संघर्ष किया और अंतिम गोली अपने कनपटी पर लगाकर वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान दिवस पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक बृजेश मणि त्रिपाठी ने कहा, भारत माँ के अमर सपूत, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत चंद्रशेखर आजाद, जिनका आज 93वां बलिदान दिवस है, उनके बलिदान दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज उनको इस मूर्ति की साफ सफाई करके माल्यार्पण पुष्पार्चन करने का कार्यक्रम रखा गया है। देश के आज़ादी के इतिहास में जब जब स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वो अग्रिम पंक्ति के साहसी नेता थे, निडर थे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। चंद्रशेखर आज़ाद का सपना था कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। इसी कारण आज के दिन 27 फरवरी 1931 को तत्कालीन इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की टुकड़ी ने जब उनको घेर लिया था, उन्होंने अंतिम समय तक अंग्रेजों से संघर्ष किया और अंतिम गोली अपने कनपट्टी पर लगाकर वीर गति को प्राप्त हुए। 15 वर्ष की उम्र में मूलतः उन्नाव के रहने वाले और मध्य प्रदेश के झबुआ जिला बदरका गांव में के रहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जब पढ़ाई के लिए काशी में आते हैं, बनारस में आते हैं, तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं। लेकिन 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर की चौरी चौरा की घटना से जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, उसके बाद से वो इस बात को समझ गए कि अंग्रेज बातों की बात नहीं मानेंगे, बंदूकों की बात मानेंगे। तो उन्होंने सोशलिस्ट एसोसिएशन करके एक संगठन बनाया और जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, अशफाकुल्ला खान के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी दल का गठन करते हुए या चारे का गठन किया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन करके उसके बाद जो काकोरी की घटना जो उन्होंने अंजाम दिया था, उसके बाद से मैनपुरी षड्यंत्र केस को लेकर सारे क्रांतिकारी गतिविधियों में चंद्रशेखर आज़ाद अगुआ के रूप में रहे और एक अपने भगत सिंह को छोड़ाने के लिए जब वो अल्फ्रेड पार्क में एक नेता के घर मिलने गए थे, उसी के बाद उनको मुखबिरी के कारण उनको अंग्रेजी टुकड़ों ने घेर लिया और वो संघर्ष करते हुए 27 फरवरी 1931 को आज ही के दिन वीर गति को प्राप्त हुए, बलिदान हुए। ऐसे भारत माँ के अमर सपूत, निगत निर्भीक साहसी क्रांतिकारी युवाओं के प्रेरणास्रोत चंद्रशेखर आज़ाद को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सरी के सारे क्रांतिकारियों का इस अवसर पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान की ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित। क्षेत्रीय सेवायोजन कचहरी स्थित कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी रास बिहारी चतुर्वेदी ने बताया कि रोजगार मेले में 3 कंपनियां आई हैं, जिसमें पोखर राज, LIC व हाईटेक शामिल है। अभी तक 55 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। सरकार की तरफ से रोजगार संगम नाम की नई वेबसाइट खुल गई है, जिसको हमको विश्वविद्यालय में जाकर तृतीय वर्ष के जो बच्चे हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उन बच्चों को रोजगार देने के लिए लखनऊ से कंपनियां भेजी जाएंगी, जो कि अब
अभ्यर्थियों के लिए बहुत बेहतर हो गया। उन्होंने बताया कि अब सेवायोजन कार्यालय के अधिकारी जाकर अभ्यर्थियों के विश्वविद्यालय में जाकर उनका वहीं रजिस्ट्रेशन करेगी, जिससे उनको अच्छे पैकेज पर रोजगार मिल सके। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी रास बिहारी चतुर्वेदी ने कहा, 3 कंपनियां आई हैं, पुखराज, LIC और हाईटेक। अभी तक 55 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अब एक नई वेबसाइट खुल गई रोजगार संगम, जिसमें हमको वहाँ पे जाकर जो 3rd ईयर के बच्चे हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए कंपनियां बाहर से, मतलब लखनऊ से, वहीं से भेजी जाएंगी। तो अब ये वाला रोजगार मिला तो समझिए कि इससे बेहतर अब वो हो गया, तो सारा ध्यान अब उस पर लगाना है। तो ये सर किस तरह से आवेदन लोग करेंगे और कहाँ पे जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, हमारे लोग जाएंगे, हमारा अफसर जाएगा, हमारे बाबू जाएंगे, वही उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। कहाँ? ऑनलाइन, जिस भी, जैसे यूनिवर्सिटी में, DDU में जाए, मतलब मोहनमालवीय में जाए, वो वहीं पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वो सीधे लखनऊ चला जाएगा, वहाँ से कंपनियाँ भेजी जाएंगी। हमारे विभाग की तरफ से अच्छी अच्छी कंपनियाँ भेजी जाएंगी। अब सरकार का ये प्रयास है कि 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं, उससे ऊपर की नौकरी दी जाए, तो इसलिए नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। अच्छा है, सरकार की प्रक्रिया भी ठीक ठाक है, तो प्रयास हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छी नौकरियों में जाएँ। सर आज कौन कौन सी कंपनी आई है? आज 3 कंपनी आई है, पुखराज आई है, LIC आई है, हाईटेक जाब आई है। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह की अध्यक्षता में संभव दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शासन के निर्देश अनुसार हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें नागरिकों की समस्या को सुनकर निस्तारण किया जाता है। आज के संभव दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे। इसके अलावा कुछ मामले कर सड़क अतिक्रमण के आए थे। अपर नगर आयुक्त ने समस्याओं का निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निगम बोर्ड की 5वीं बैठक महापौर डॉक्टर मंगली श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में निगम के सदन हॉल में सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि सदन की शुरुआत में ही सपा के पार्षद जियाउल इस्लाम ने कहा कि नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम रेहड़ी व पटरी वाले व्यापारियों को परेशान कर रही। वहीं हम लोगों ने मांग किया था कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी पार्किंग को चेक किया जाए, जिसकी वजह से शहर में जाम लग जाता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस पर नगर आयुक्त ने कहा कि टीम गठित की गई है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुछ पार्षदों ने कहा सड़कों व नालियों की साफ सफाई समय से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से नालियां भर गई हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की गई थी, जो कि अभी तक नहीं लगा। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्देश दिया। वहीं पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने पार्षद वरीयता को बढ़ाने की मांग की थी, जिसको महापौर ने 45 लाख कर दिया, जिस पर सभी पार्षदों ने एक साथ सहमति दी। इस अवसर पर पार्षद मनोज निषाद, माया देवी, ऋषि मोहन वर्मा, अजय राय, किसी यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिला कारागार में पूर्वांचल मशरूम सेंटर के स्वतंत्र देव सिंह ने जेल रेडियो के माध्यम से कारागार के निरुद्ध बंदियों को जेल रेडियो के माध्यम से मशरूम की खेती के माध्यम अधिक आय अर्जित करने के तरीके बताए। उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती जीरो बजट फार्मिंग है, जिसमें कृषि अवशेषों, भूसा, पुआल, गन्ना, खोई, सरसों के डंठल आदि का उपयोग होता है। ऑयस्टर मशरूम को भूसे पर उगाया जाता है और वो मात्र 2130 दिनों में उत्पादन देना शुरू कर देता है। ये सबसे कम समय में
आय देना शुरू कर देता है। मशरूम की खेती से पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। कृषि अवशेषों को जलाने के स्थान पर मशरूम की खेती के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मशरूम की खेती अन्य समस्त प्रकार के कृषि से अधिक आय दे सकती है। मशरूम की खेती से जेल से छूटने वाले बंदियों को लिए पुनर्वास का माध्यम हो सकती है। जेल से छूटने के बाद बंदी बहुत कम समय में आय अर्जित कर सकते हैं। ये विटामिन ए, बी, सी एवं डी का अच्छा स्रोत है। इसमें प्रोटीन एवं मिनरल की अच्छी मात्रा होती है। इस अवसर पर जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, जेलर नरेश कुमार, उप जेलर विजय राय, विश्वनाथ पांडे, अश्वनी कुमार उपाध्याय, अमित श्रीवास्तव, कृष्ण कुमारी उपस्थित रहे। इसकी खेती से आय का जहां तक सवाल है, इतनी अच्छी खेती है घर के अंदर की, जिससे आप न तो पाला का डर है, न तो ये बर्फ का डर है, ना आंधी का डर है, ना तूफान का डर है, ना धूप का डर है, ना छांव का डर है। अगर फसलों में कभी पाला मार दिया, कभी धूप बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी पत्तियां झुलस गई। की खेती से जुड़ने के बारे में खुशी से जुड़ सकेंगे। इसमें जहां तक फायदे की बात है, ये समझिए कि अपने यहाँ खेती से संबंधित किसी भी फसल की हम लोग बुआई करते हैं, किसी भी सब्जी की बुआई करते हैं, तो न्यूनतम 2-3 महीना लग ही जाता है। और मशरूम की अलग अलग वैरायटी है। आज आप बुआई किए और सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर आपको मशरूम की तुड़ाई शुरू हो जाएगी। के अंदर की खेती है, इसमें महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष वर्ग भी कर सकता है। महिलाओं को अपने क्षेत्र में ये है कि वो खेत में नहीं जाती हैं। यहाँ तो चौपट के अंदर की खेती है, आसानी से वो कर सकती हैं, आप भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें ये ज्यादातर रोल यही भूसे का और गेहूं का भूसा और धान की पराली, जो कि हमारे आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध है।